सो फ्रेंड्स, आज गाड़ी आई है वेंटो 1.6 डीजल, जिसमें कस्टमर ने कंप्लेंट दिया है एमआई लाइट आ रहा है उसके क्लस्टर पे। तो उसके रिगार्डिंग आप लोग ओडीज लगाएंगे हैं। पहले तो ओडीज में क्या फॉल्ट कोड जनरेट हो रहा है उसके रिलेटेड, फिर आप लोग डायग्नोस चालू करेंगे जो फॉल्ट कोड जनरेट होगा गाड़ी में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ओडीज लगा दिया हूँ गाड़ी में, उसमें क्या फॉल्ट कोड जनरेट हुआ है वो दिखाता हूँ मैं आपको। पहले तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं ये G28 क्रैंक सेंसर का फॉल्ट कोड जनरेट हुआ है इसमें। तो इसके रिलेटेड अपने को डायग्नोस करना है गाड़ी में क्या प्रॉब्लम मिलता है, वो मैं आपको देख के बताता हूँ, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर की बॉडी दिख रही है आप लोगों को, ये ऑयल कूलर बॉडी है। इसके साइड में ये जो पाइप है, जॉइंट है, ये एल्बो पाइप है। और ये ऑयल कूलर बॉडी का जो एरिया है पूरा आपको मैं दिखाता हूँ, पूरा कोरोजन लग गया उसमें कूलेंट लीकेज की वजह से। आप देख सकते हो ये सब कूलेंट के मार्किंग है जो लीकेज हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को। और ये कूलेंट लीकेज हो के क्रैंक सेंसर में गया है G28 में, उसकी वजह से वो सेंसर शॉर्ट हो चुका है। आप देख सकते हो कितना कोरोजन वगैरह लगे हुए। और ये जो कपलर है, ये क्रैंक सेंसर का कपलर है, इसके अंदर कपलर के अंदर कूलेंट वगैरह नहीं गया, सेंसर के ऊपर ही खाली कूलेंट वगैरह गया, उसकी वजह से इसमें फॉल्ट कोड जनरेट हो गया गाड़ी के अंदर ये वाली। तो अभी हमें इसके रिलेटेड क्रैंक सेंसर डालना पड़ेगा नया, और ये कूलेंट जो लीकेज है इसके बंद करना पड़ेगा। तो इसके लिए ऑयल कूलर बॉडी नया डालना पड़ेगा, एल्बो पाइप दूसरा डालना पड़ेगा, तब जाके इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर देना।